प्रिय विद्यार्थियों, हम देखिए राज्य स्तरीय और स्थानीय स्वशासन के बारे में पढ़ रहे हैं। इसी क्रम में राज्यपाल की बदलती भूमिका के निम्नलिखित कारण हैं, इसमें पढ़ेंगे। यानी कि राज्यपाल की जो भूमिका है वो क्यों बदली, उसके क्या कारण रहे। देखिए, मैं आपसे पहले चर्चा कर चुका हूँ कि राज्यपाल राज्य स्तर पर और केंद्र स्तर पर राष्ट्रपति, ये दोनों ही औपचारिक पद हैं, नाम मात्र के पद हैं। इनकी भूमिका नाम मात्र की, लेकिन कुछ समय से इन राज्यपाल का जो पद है, इसकी जो भूमिका है वो कुछ शक्तिशाली होती जा रही है। अब ये जो भूमिका बदल रही है, शक्तिशाली जो पद हो रहा है ये राज्यपाल का, ये इसके क्या कारण रहे हैं, ये इसके अंदर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला जो कारण है वो देखिए, मुख्यमंत्रियों का कमज़ोर व्यक्तित्व। सीधी सी बात है, जब मुख्यमंत्री का व्यक्तित्व कमज़ोर होगा तो उसके संबंध में जो भी निर्णय लिए जाएंगे उसमें राज्यपाल की भूमिका रहेगी। राज्य सरकार के पास कमज़ोर बहुमत, यदि सरकार के पास बहुमत कमज़ोर है तो भी राज्यपाल की भूमिका शक्तिशाली हो जाएगी। गठबंधन की प्रवृत्ति, देखिए जब गठबंधन की जो सरकारें होती हैं उनका ये जो कार्यकाल है वो अनिश्चित होता है, वो सरकारें कभी भी गिर सकती हैं। इस संबंध में भी राज्यपाल की भूमिका निश्चित रूप से शक्तिशाली हो जाती है। दल बदल की प्रवृत्ति, क्षेत्रीय दलों का शक्तिशाली होना, क्षेत्रीय दलों का शक्तिशाली होने के कारण भी राज्यपाल की भूमिका शक्तिशाली हो जाती है। अब देखिए, राज्यपाल को मनोनीत करने के कारण, यहाँ पर देखिए राज्यपाल राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होता है, तो राज्यपाल को नियुक्त जनता के द्वारा निर्वाचित भी किया जा सकता था, लेकिन ये मनोनीत ही क्यों किया गया, इसके क्या कारण है। देखिए, सबसे पहले देखिए, भारत के अंदर केंद्रीय और राज्य स्तर पर संसदीय शासन प्रणाली है, और संसदीय शासन प्रणाली के अंदर जो जनप्रतिनिधि होते हैं, जिनके द्वारा चुनी गई सरकारें होती हैं, जनता के द्वारा चुनी गई सरकारें होती हैं, वो उसके कारण से दूसरा पद राज्यपाल का या राष्ट्रपति का, उसको निर्वाचित करना वो बिल्कुल अव्यवहारिक है। नंबर दो, राज्य कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख मुख्यमंत्री होने के कारण राज्यपाल को नाममात्र की शक्ति दी। सीधी सी बात है कि जो राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक जो प्रमुख है वो मुख्यमंत्री होता है, यदि इसको भी वास्तविक प्रमुख बना दिया जाए, इसको भी ऐसी शक्तियाँ दे दी जाएँ, तो फिर ये शासन के अंदर विरोधाभास की स्थिति हो जाएगी, इसलिए इसको नाममात्र या मनोनीत किया गया है राज्यपाल को। भारत की विविधता के कारण संघ व राज्यों में एकता व अखंडता स्थापित करने के लिए। दूसरी देखिए, राज्यपाल का पद मनोनीत जो किया जाता है, राज्यपाल के पद की जो व्यवस्था की गई है वो भारत की विविधता के कारण, यानी कि भारत में देखिए कई प्रकार की विविधताएं हैं, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, कई प्रकार की विविधता है, और इस विविधता के कारण संघ और राज्यों में एकता बनाए रखना आवश्यक है, इसलिए राज्यपाल के पद की व्यवस्था की गई। दूसरी बात, राज्यपाल की स्वतंत्र एवं निष्पक्ष मध्यस्थ की भूमिका के लिए, यानी कि केंद्रीय स्तर पर और राज्य स्तर पर एक मीडिएटर की भूमिका, मध्यस्थ की भूमिका, और वो भी स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से हो सके, उसमें राज्यपाल की भूमिका, ताकि इन दोनों के बीच में विवादों से बचा जा सके। राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में कुछ परंपराएं, ट्रेडिशंस फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, यानी कि किस प्रकार से राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है, क्या परंपराएं हैं भारत के अंदर। तो नंबर एक देखिए, राज्यपाल को उसी के राज्य में राज्यपाल नहीं, राज्यपाल को उसी के राज्य में राज्यपाल नहीं बनाया जाएगा। जैसे कि राजस्थान का कोई भी व्यक्ति है तो राजस्थान में उसको राज्यपाल नहीं बनाया जाएगा। नंबर दो, राज्यपाल के नाम पर राज्य मंत्री परिषद का सहमत होना चाहिए। ये देखिए बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि राज्यपाल को राज्य की मंत्री परिषद के साथ ही काम करना है, तो इसलिए ये उचित बात है कि मंत्री परिषद की सहमति पद के लिए होनी आवश्यक है, लेकिन व्यवहार में ऐसा नहीं किया जाता है या ऐसा नहीं होता है। यानी कि जिसकी सरकार केंद्रीय स्तर पर होती है, चाहे वो किसी भी दल की हो, उसी की पसंद का व्यक्ति राज्यपाल बनाया जाता है। यहाँ पर राज्य मंत्री परिषद से सलाह अगर ले भी ली जाती है
तो उसकी सलाह के अनुसार ये नियुक्ति नहीं होती है। राज्यपाल के पद पर वरिष्ठ राजनीतिज्ञों, सीनियर जो पॉलिटिशियंस हैं, सेवानिवृत्त नौकरशाओं, अफसरों और सैन्य अधिकारियों को नियुक्त किया जाता है। देखिए ये लगभग एक परंपरा रही है कि जो वरिष्ठ राजनीतिज्ञ हैं किसी भी दल के उनको, और जो रिटायर्ड हो जाते हैं अफसर उनको और सैन्य अधिकारियों को राज्यपाल के पद पर नियुक्त किया जाता है। प्रशासनिक सुधार आयोग के अनुसार एक व्यक्ति को एक ही बार राज्यपाल नियुक्त किया जाए, ये देखिए बहुत महत्वपूर्ण है। प्रशासनिक सुधार आयोग जो है उसने ये सलाह दी कि एक व्यक्ति को एक बार ही राज्यपाल नियुक्त किया जाए। राज्यपाल के संबंध में सरकारी आयोग की सिफारिशें, रिकमेंडेशंस ऑफ सरकारिया कमीशन इन रेस्पेक्ट ऑफ गवर्नर, तो किसको राज्यपाल नियुक्त किया जाए इस संबंध में जो सरकारी आयोग है उसने क्या क्या सिफारिशें दी, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है, ध्यान दें। तो देखिए नंबर एक, राज्यपाल को कार्यकाल के बाद दोबारा किसी लाभ के पद पर नहीं लगाना चाहिए, यानी कि जब उसका कार्यकाल समाप्त तो हो जाए उसके बाद किसी लाभ के पद पर उसकी नियुक्ति नहीं होनी चाहिए। यदि केंद्र व राज्य में अलग अलग दलों की सरकारें हों, जैसे कि अगर हम आज वर्तमान की बात करें, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, राजस्थान राज्य की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस की सरकार है, तो अलग अलग दलों की सरकारें हों तो उस स्थिति में केंद्रीय सरकार के दल से, यानी कि अब की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी BJP से संबंधित व्यक्ति को राज्यपाल नहीं बनाना चाहिए। देखिए ये सरकारी आयोग की बहुत महत्वपूर्ण सिफारिश है, यानी कि अगर हम राजस्थान के राज्यपाल की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है केंद्र के अंदर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, उसको चाहिए कि वो अपने दल के किसी व्यक्ति को राजस्थान में राज्यपाल नहीं बनाए, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। अनुच्छेद 155 में संशोधन करके ये व्यवस्था करनी चाहिए जिससे राज्यपाल की नियुक्ति करते समय मुख्यमंत्री की सलाह ली जाए, यानी कि जो नियुक्ति से संबंधित जो अनुच्छेद है राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद 155, इसमें संशोधन किया जाए और ये प्रावधान किया जाए कि राज्यपाल की जब नियुक्ति की जाएगी तो उसमें मुख्यमंत्री की सलाह अनिवार्य रूप से ली जाएगी। धन्यवाद।